सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो पर। दोस्तों आज के वीडियो में आपको मैं रिवील कराने वाला हूँ गूगल पिक्सल 6 प्रो के स्पेसिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस वीडियो में आपको इसी के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज बताने वाला हूँ। क्या क्या हमें इसमें फीचर्स मिलते हैं, कैसा डिस्प्ले, कैसा प्रोसेसर और क्या हमें इस स्मार्टफोन में और भी देखने को मिल जाता है। क्या ये आईफोन को भी बीट करने वाला स्मार्टफोन बन चुका है और भी गूगल की तरफ से। अभी जो एप्पल के कई सारे स्मार्टफोन लॉन्च हो चुके हैं, जैसे कि आईफोन 13 प्रो मैक्स भी आ चुका है। ये बेहद ही खास स्मार्टफोन्स हैं एप्पल की तरफ से, लेकिन गूगल ने भी अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है जो है गूगल पिक्सल 6 प्रो। यहाँ पे दोस्तों फिलहाल इंडिया में अभी लॉन्च होने का ही है, फिलहाल ये इंडिया में भी लॉन्च हो सकता है, इसकी भी कुछ 50% चांस है। बट इसके कुछ लीक्स निकल के आए हैं और इसके स्पेसिफिकेशन वगैरह मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या इसमें होने वाला है, किस तरीके से इसका जो कैमरा है वो एप्पल को बीट करने वाला है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो को एंड तक दिल धाम तक देखिए ताकि आप जान सके इस स्मार्टफोन में हमें क्या क्या नया मिलने वाला है। दोस्तों सबसे पहले इसके मैं छोटे छोटे कुछ नए पार्ट्स के बारे में आपको बता देता हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको सबसे पहले मिल जाता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट जो कि काफ़ी फास्ट है, लेकिन ये थोड़ा थंब से ऊपर रहेगा। जैसे ही नॉर्मली आप देखे होंगे किसी भी स्मार्टफोन में बिल्कुल नीचे साइड में रहता है, लेकिन अब ये उससे थोड़ा ऊपर मिलने वाला है। और अगर मैं नेक्स्ट बार इसके करूँ तो इसके जो IPX68 रेटिंग है यहाँ पे आपको डस्ट एंड वाटर रजिस्टर मिल जाता है जो कि काफ़ी हद तक बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि गूगल की तरफ से और एप्पल की तरफ से जो भी वाटर रजिस्टर या डस्ट प्रूफ रेटिंग मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है एक नॉर्मल ओप्पो वीवो के स्मार्टफोन से। दोस्तों हमें यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन मिल जाती है पूरे ऑल ओवर बॉडी में। और मैं इसके बॉडी के इससे स्मार्टफोन के वजन की बात करूँ तो ये हमें करीब 210 ग्राम का मिल जाता है, और इसके थिकनेस की बात करूँ तो ये हमें 8.1 mm का मिल जाता है जो कि काफ़ी एक नॉर्मल है। और आपका इसका जो वेट है ये भी काफ़ी नॉर्मल वेट है, ऐसा सभी स्मार्टफोन के आसपास ही वेट है इसका, ना इसमें कम है ना कि इसमें ज़्यादा है। दोस्तों यहाँ पे डिस्प्ले की बात करता हूँ, डिस्प्ले यहाँ पे हमें मिल जाता है 6.71 इंच की, यहाँ पे हमें LTPO AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, LTPO एक खास प्रकार की AMOLED डिस्प्ले है जो कि एक फुल HD या सुपर AMOLED से भी काफ़ी अच्छी होती है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डिस्प्ले के और फीचर्स के बारे में, यहाँ पे हमें HDR10 Plus का सपोर्ट मिलता है वो भी डिस्प्ले के अंदर, जो कि एक अच्छा व्यू और अच्छी खासी डिस्प्ले क्वालिटी आपको प्रोवाइड करती है इस स्मार्टफोन में। और यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी सपोर्ट मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा हो जाता है। फिलहाल यहाँ पे ये सारे के स्मार्टफोन में अभी आने वाला है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट आने लगा है। इसी प्रकार आपको गूगल की तरफ से भी आपको इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है जो कि कुछ आप जैसे जिसमें आप कुछ लगा सकते हैं जैसे वॉलपेपर वगैरह, टाइम वगैरह, आपको एनी टाइम जैसे ही फ़ोन हिलता है तो सिर्फ आपको सिर्फ वही दिखने वाला है जो कि एक AMOLED डिस्प्ले पे ही हो सकता है, और कोई भी इस डिस्प्ले पे ऐसा फीचर्स नहीं ऑन हो सकता है। दोस्तों यहाँ मैं इसके कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेसर के बारे में बात करता हूँ, यहाँ पे हमें एंड्रॉइड 12 का सपोर्ट मिलता है। फिलहाल यहाँ पे हमें अगर प्रोसेसर अच्छी खासी FSC की बात करूँ तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन 765G का सपोर्ट मिल जाता है जो कि एक 5 नैनोमीटर गूगल टेंसर के 5 नैनोमीटर पर सपोर्ट है, जो कि आप जानते होंगे जितने भी नैनोमीटर ये कम होते हैं, जैसे आप सुने होंगे 8 या 12 नैनोमीटर, लेकिन ये नैनोमीटर जितना ही कम होता है फ़ोन उतना ज़्यादा फास्ट एंड स्मूथ चलता है। इसी प्रकार यहाँ पे हमें 5 नैनोमीटर का सपोर्ट मिलता है जिसमें दोस्तों स्नैपड्रैगन 765 वो भी 5G प्रोसेसर लगा हुआ है, जिससे इसकी पावर ओवरऑल काफ़ी अच्छी बन जाती है। ये क्योंकि गूगल की तरफ से स्मार्टफोन आता है और भी अच्छा इसको गूगल का सपोर्ट मिल जाता है, खास करके यहाँ पे एंड्रॉइड 12 और भी शायद स्टॉक एंड्रॉइड का सपोर्ट मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस ला के देता है। आपको जब भी आप इसे यूज करेंगे आपको एक नया ही बेहतरीन एहसास होने वाला है इस स्मार्टफोन को यूज करने के बाद। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं कैमरे की बात करूँ, कैमरे पे हमें रियर साइड में हमें 50 मेगापिक्सल प्लस 48 एंड प्लस 12 मेगापिक्सल का सपोर्ट मिल जाता है, यहाँ पे हमें ट्रिपल कैमरा स्लॉट मिल जाता है बैक साइड पे, लेकिन उसका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा नए स्मार्टफोन के लुक के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का हमें एक मेन कैमरा मिल जाता है, लेकिन हमें 48 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिलता है और प्लस 12 मेगापिक्सल का हमें अल्ट्रा वाइड मिल जाता है। लेकिन आपको पता होगा जो गूगल के कैमरा होते हैं वो एप्पल से भी कई गुना अच्छे बन जाते हैं, क्योंकि इसमें गूगल इतना ज़्यादा काम कर चुका है कैमरे के मामले में भी, ये एप्पल से भी आगे बन जाता है। फिलहाल ये जो स्मार्टफोन है इसको यूज करते हुए कई मैंने रिव्यू भी देखे हुए हैं, यहाँ पे जो कैमरा बन जाता है बहुत ही अच्छा खासा कैमरा बन जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक नए फीचर्स का भी सपोर्ट मिलता है जो कि है जैसे आप कोई भी फोटो क्लिक करेंगे इसमें, आप उसे जो कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे आपका दोस्त वहाँ पे आ जाता है फोटो के बीच में, आप उसे
फ़ोन से ही रिमूव कर सकेंगे, फ़ोटो आपका वैसा ही वैसा रहेगा। यहाँ पे आपके रिमूव का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पे दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूँ तो हमें 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है विद 60 एंड 30 FPS, मतलब 30 एंड 60 FPS आपको 4K रिकॉर्डिंग मिल जाती है वीडियो की, वो भी रियर साइड की। अगर मैं इसमें 1080p की रिकॉर्डिंग करते हैं, जैसे फुल एचडी प्लस की फुल एचडी रिकॉर्डिंग करते हैं, तो आपको वहाँ पे 30 एंड 60 प्लस 120 प्लस 240 FPS की रिकॉर्डिंग मिल जाती है, जो कि एक बेहद कैमरा परफॉर्मेंस में वीडियो रिकॉर्डिंग में नंबर वन पे हो जाता है। क्योंकि अभी एप्पल भी 240 FPS तक की रिकॉर्डिंग दे देता है, लेकिन यहाँ पे आपको गूगल की तरफ से भी 1080p 240 FPS तक की रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है, जो कि ओवरऑल काफ़ी अच्छी बात बन जाती है। मतलब कैमरे के मामले में तो नेक्स्ट लेवल स्मार्टफोन बन जाता है। अगर मैं वहीं अगर फ्रंट साइड की बात करूँ तो फ्रंट साइड पर हमें 11.1 मेगापिक्सल का सपोर्ट मिलता है, जो कि अच्छी खासी सेल्फी और कैमरा परफॉर्मेंस आपको देता है। लेकिन यहाँ पे अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूँ तो जैसा आपको फ्रंट रियर में मिलता है वीडियो रिकॉर्डिंग, वैसा ही आपको फ्रंट साइड पर भी वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है, जैसे 4K 30 60 FPS तक, और 1080p आपको 60 30 120 एंड 40 FPS तक का सपोर्ट मिलता है, जो कि ओवरऑल काफ़ी अच्छी बात है। कैमरे की इसमें आपको ये नंबर वन पे मिलने वाला है स्मार्टफोन। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ इस स्मार्टफोन की बैटरी की। जी हाँ दोस्तों, हमें बैटरी सपोर्ट मिल जाता है, 5300 mAh का बैटरी सपोर्ट मिल जाता है। दोस्तों ये काफ़ी अच्छी बैटरी होने वाली है, क्योंकि 5300 mAh आपका फुल डे या फिर सेकेंड डे भी निकाल सकेगा। लेकिन यहाँ पर चार्जिंग की बात करें तो हमें 30 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। इसमें विद आपको चार्जर मिलने वाला है, शायद नहीं मिले, लेकिन आपको 30 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। जी हाँ दोस्तों, गूगल यहाँ पे क्लेम करता है ये 50% चार्ज आपका 30 मिनट्स के अंदर कर देगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर 50% चार्ज आपका 30 मिनट्स, मतलब आपको एक या एक घंटे 10 मिनट या 20 मिनट में आपको फुल्ली चार्ज होकर आपका स्मार्टफोन मिल जाएगा, क्योंकि इसकी जो बैटरी है वो काफ़ी, मतलब काफ़ी बड़ी बैटरी है 5000 mAh की। इसको चार्ज होने के लिए कम से कम 1 आवर तो लगेगा ही विद 30 वॉट के चार्जर के साथ। लेकिन यहाँ पर हमें एक और फीचर्स मिल जाता है रिवर्स चार्जिंग का। दोस्तों रिवर्स चार्जिंग हमें यहाँ पर मिल जाती है 23 वाट का, मतलब रिवर्स चार्जिंग भी कर सकते हैं इस स्मार्टफोन से, मतलब गूगल के स्मार्टफोन से आप कोई भी स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं विद 23 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ। किसी में अगर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं भी है तो फिलहाल वो आप पे 10 वॉट की चार्जिंग के साथ सपोर्ट कर फास्ट चार्जिंग कर देगा। और यहाँ पर अगर किसी को भी सपोर्ट मिल जाता है, यहाँ पर 23 वॉट की तो चार्जिंग है ही, मतलब अगर वो 18 वॉट भी सपोर्ट करता होगा दूसरा मोबाइल जिससे आप चार्ज कर रहे हैं, तो फटाफट चार्ज हो जाएगा आपका स्मार्टफोन। ये रहे थे कुछ गूगल स्मार्टफोन के कुछ फीचर्स और स्पेसिफिकेशन। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट और स्मार्टफोन के रिव्यू वगैरह मैं अपने चैनल पर लाते रहता हूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो के लिए, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी।